अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। बिहार विधानसभा में जल्द ही मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इस मॉनसून सत्र में विधानसभा के अंदर तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की एंट्री नहीं हो सकती है। दरअसल इसके पीछे की वजह कोरोना की वैक्सीन बताई जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक अपील जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी विधानसभा के मॉनसून सत्र में शामिल होंगे विधायक, वो सभी कोरोना की वैक्सीन लगवा ले। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोरोना का टीका नहीं लगाया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष की इस अपील के बाद इन विधायकों और तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने बिहार के सभी 243 विधायकों से यह अपील की है कि वे मॉनसून सत्र के पहले कोरोना का टीका ले लें। विधायक जब सत्र में शामिल होने विधानसभा पहुंचे तो कोरोना का टीका लगवा कर ही आए। कोरोना संक्रमण के इस दौर में लोगों की मदद करना, उनके बीच जागरूकता फैलाने में जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका है। इसी को देखते हुए बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने इस तरह की अपील की है। साथ ही आपको बता दें कि अभी तक ना लालू प्रसाद यादव और ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने टीका लिया है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष के लिए काफी मुश्किल हो सकता है कि अगर वो अपील कर रहे हैं और फरमान जारी कर रहे हैं तो बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की एंट्री अगर विधानसभा में नहीं होगी तब फिर कैसे विधानसभा चलने वाला है।